So let us start the chapter Pythagoras theorem. Very simple topic, very easy topic, ठीक है? और जो नया सिलेबस है बच्चों उसमें 2.1 ही तुम्हारी एक्सरसाइज है, पर हम 2.2 भी करेंगे फॉर द प्रैक्टिस पर्पसेस और आगे काम आएगा कभी लाइफ में। तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम सेकेंड चैप्टर ज्योमेट्री का, तो बेसिक चीजें कुछ तुमको पता होनी चाहिए, बराबर कि नहीं? मतलब कैसे? तो सबसे पहली चीज तो पाइथागोरस थ्योरम में पाइथागोरस थ्योरम ही इंपॉर्टेंट है, राइट? तो थ्योरम बोलता क्या है, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, लेट्स से एबीसी, सो इन ट्रायंगल एबीसी वन ऑफ द एंगल शुड बी 90 डिग्री, एंगल एबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड दैट इज अ गिवन पार्ट। अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो बच्चों यू कैन यूज समथिंग कॉल्ड एज पाइथागोरस थ्योरम। देयरफॉर एसी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, बच्चों 90 के सामने वाला जो होता है ना उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, 90 के जो सामने वाला होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। और एक चीज मेरी हमेशा याद रखना, हाइपोटेन्यूस इज द लार्जेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। So, दो बातें मैंने बार बताई, 90 डिग्री के सामने वाला इज हाइपोटेन्यूस और हाइपोटेन्यूस इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट साइड, देयरफॉर एसी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। अब ये कैसे आया, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम, रीजन वाई पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, इसका थ्योरम भी होता है, इसका स्टेटमेंट होता है, तो वो जब अपन प्रूफ करेंगे तब आई विल टेल यू ऑल। अच्छा ओके बच्चों, इतना क्लियर है होपफुली। नाउ सेकंड थिंग इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, समझते बच्चों, इतना नोट डाउन कर लिया होगा तुम लोगों ने या नोट्स बना देना बाद में, है ना? सेकेंड पार्ट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। बच्चों अब ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिपलेट? तुमने डुप्लेक्स सुना होगा, ट्रिपलेट मतलब क्या, अ सेट ऑफ थ्री। ट्रिपलेट मतलब क्या, a set of three। तो बच्चों ध्यान देना एकदम अच्छी तरह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी चीज है एकदम। इसको एग्जांपल से समझते हैं, अगर एक ट्रायंगल है ये 90 डिग्री है, ये थ्री है, ये फोर है, इसका एक साइड थ्री है, लेट्स से ये पी क्यू आर है, तो इसका वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री, एक साइड थ्री है, एक साइड फोर है, तो जो हाइपोटेन्यूस होगा वो हमेशा क्या होगा, फाइव होगा। और ऐसा क्यों हो रहा है करके भी देख सकते हो तुम लोग, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, देखो समझे, ये नहीं पता अपने को, देखो पी आर स्क्वायर हाइपोटेनस है ना, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तो पी आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। देयरफॉर पी आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, क्या होगा, थ्री स्क्वायर, क्यू आर विल बी फोर स्क्वायर, थ्री स्क्वायर नाइन होता है प्लस फोर स्क्वायर सिक्सटीन होता है 25। वो PR square 25 आ गया, but we're not interested in PR square, we're interested in PR, PR में interested है हम, therefore taking square root।
पॉजिटिव स्क्वायर रूट, देखो पी आर विल बी इक्वल टू, सो अगर ये तीन है ये फोर है तो तीसरा वाला हमेशा ही फाइव होगा. तो ये जो है बच्चों थ्री फोर फाइव, इसको हम प्यार से बोलेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, क्योंकि दो पता है हमको तो तीसरा पांच ही होने वाला है. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों. ऐसे बहुत सारे सेट्स है, यही नहीं है, बहुत सारे हैं, ठीक है, द लॉट ऑफ सेट्स. तुमको मैंने ये एग्जांपल दिया, देयर आर लॉट ऑफ अदर सेट्स आल्सो, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आल्सो. बच्चों समझने की कोशिश करते हैं. अब तुमको क्वेश्चन है एक टेक्स्ट बुक का, टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन है बच्चों, तुमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. तुमको आइडेंटिफाई करना है कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. ओके बच्चों, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1. इसमें से कौन से पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तुमको आइडेंटिफाई करना है. आई होप तुमको विजिबल एकदम, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें चालू होने वाली है अभी. इसमें से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है. क्वेश्चन लेते हैं, तरीका बताऊंगा, एकदम सिंपल है बच्चों, ध्यान देना एकदम, तरीके से समझना एकदम. बच्चों क्वेश्चन ये है 2.1, कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, रीजन भी बताना है. 3.5.4 ये क्वेश्चन है. ओके बच्चों ये क्वेश्चन है. अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं कैसे पता करने का. बच्चों पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर, बराबर. तो काम करो, इन तीनों में से बड़ा कौन है, थ्री फोर फाइव, बड़ा कौन सा है, सही बोला फाइव, बराबर. तो करो क्या, हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, स्क्वायरिंग होता है. तो सबसे बड़े वाले का, बड़े वाले को लो और उसको स्क्वायर कर दो. तो फाइव का स्क्वायर लो, 25 आएगा. इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, फिर बाकी बच्चे वाले का स्क्वायर कर दो. कौन बच गया, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर दो. तो 3 स्क्वायर होता है 9, 4 स्क्वायर होता है 16, दिस इज इक्वल टू 25. अब ये दोनों क्या हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों क्या हो गया इक्वेशन 1 एंड 2 से, 25 25 है. फ्रॉम 1 एंड 2 राइट हैंड साइड का सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा. 5 स्क्वायर इक्वल 25, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज 25. तो अगर RHS सेम है तुम्हारा तो LHS भी सेम होगा. सॉरी, देखो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर. अगर ऐसा कुछ होगा तो दिस विल बी इंक्लूडेड इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट. लिख लो बेटा ये, देयरफॉर 3.5.4 फॉर्म्स अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. बच्चा समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ गया बेटा. ओके बेटा क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं. 4 9 12 कैसे करोगे, तो बड़े का स्क्वायर ले लो 144, दोनों छोटे का स्क्वायर ले लो, क्या हो जाएगा 16 प्लस 81. क्या हो जाएगा 16 प्लस 81, क्या हो जाएगा 16 प्लस 81, क्या हो जाएगा 97, बराबर. इक्वेशन नंबर 2, अब दोनों सेम है क्या, 144 और 97 सेम है क्या, अरे सेम है क्या. देयरफॉर
12 square is not equal to 4 square plus 9 square. अब ये चिन्ह देखना, is not equal, same नहीं है. Therefore, 4, 9, 12 does not form Pythagorean triplet. बच्चों इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो ढंग से एकदम. आई होप तुमको समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों. अब देखना ये सब क्वेश्चन अपने कर लिए, अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं, फटाफट करते हैं. चलो अभी अभी फटाफट हो जाना चाहिए. ये सब तुम लोगों ने कर लिया बराबर, तुमको मेथड पता चल गया, फटाफट मेरे साथ करो एकदम. तुम लोगों को मेथड पता चल गया है और फटाफट मेरे साथ करो, फटाफट मतलब फटाफट क्वेश्चन देखते हैं अपन नेक्स्ट. 5, 12, 13 बच्चों, बड़ा स्क्वायर 169, इक्वेशन नंबर 1. 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 25 प्लस 144 व्हिच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा ये 144 29 169, सेम आ रहा है. देयरफॉर 13 square will be equal to 5 square plus 12 square. Therefore, 5, 12, 13 from 1 into 1 forms a Pythagorean triplet. तुम समझ गए होगे कैसे लिखना है. Next question देखते बेटा. 24, 70, 74. 24 question देखना, पर मैं गलती से दूसरा question ना लिख दूं. 24, 70, 74. बच्चों सिंपल चीज है, 74 स्क्वायर विल बी इक्वल टू, अब स्क्वायर करना आ सकता है तुम लोगों को, 5, 4, 7, 6 होता है. एंड ये वाले 70 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, 70 स्क्वायर क्या होगा लॉजिकली, 7 स्क्वायर होता है 49, तो 4900 हो जाएगा. बराबर कि नहीं, बराबर कि नहीं. प्लस 24 स्क्वायर इज 576. ब्रो आंसर सेम आएगा, सेम आएगा कि नहीं आएगा, 4900 576, तो 5476. देयरफॉर 74 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 70 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर. देयरफॉर 24 70 74 फॉर्म्स अ पाइथागोरस ट्रिपलेट. Forms a Pythagoras triplet. Clear है बेटा? Clear है बेटा? I hope clear है. बच्चा note कर लो इसको. Next, next है 10, 24, 27. करके देखो बेटा, सबसे बड़ा 27 है, 27 स्क्वायर क्या होगा, 27 स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, इक्वल आ रहा है कि नहीं देखो. 27 स्क्वायर क्या होगा, मैंने करके देखा ऑलरेडी, तो वो कर सकते 729, और 10 स्क्वायर 100 होता है, और 24 स्क्वायर क्या होता है 576, तो ये हो जाएगा 676. देयरफॉर 27 स्क्वायर is not equal to 10 square plus 24 square. Therefore, ye jo set hai does not form Pythagoras triplet. Therefore, 10, 24 and 27 do not form a Pythagoras triplet. Last question, beta. Last question. Last question, beta. Last question, beta. 11, 60, 61. बड़े का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू दो छोटे का स्क्वायर. देयरफॉर 61 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 60 स्क्वायर, ऐसा होना चाहिए बेटा बराबर. अब तुम्हें समझ में आ गया, लेकिन स्टेप बाय स्टेप लिखो, यू हैव टू राइट स्टेप बाय स्टेप. देयरफॉर 61 स्क्वायर विल बी इक्वल टू, आंसर क्या आएगा 61 स्क्वायर का, मैंने करके देखा हुआ है 3721.
will be equal to 60 square plus 11 square. ये हो जाएगा 3600, ये हो जाएगा 121, तो ये हो जाएगा 3721. Therefore, from 1 and 2, 61 square will be equal to 60 square plus 11 square. Therefore, 11, 60, 61 forms a Pythagoras triplet. बच्चों नोट कर लो इस सबको, इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं बेटा. एमसीक्यूज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि अब क्या बोलते हैं स्कूल में भी एमसीक्यूज ही होंगे मोस्टली. आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो चारों में से कोई एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे, जो बड़ा का स्क्वायर है दैट विल बी इक्वल टू छोटे का स्क्वायर. अब यहां पर देख लो, मेंटली भी कर सकते हो थोड़ा बहुत. 10 का स्क्वायर 100 होता है, और यहां पर दोनों कौन से 5 और 1 है, तो 25 प्लस 1 100 किधर, 26 किधर, तो ये तो हो ही नहीं सकता. 2 2 2 बड़ा क्या है इसमें, सब बड़े, तो ये तो हो ही नहीं सकता. इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह हो जाएगा ये तो. इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितना 90 डिग्री होता है कोई भी एंगल, लॉजिकली करने के लिए कर सकते हो, 2 स्क्वायर इक्वल टू कुछ ना कुछ कर सकते हो, बट हो जाएगा लॉजिकली. 2 2 2 है ये, 2 2 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल में किधर होता है, एक भी एंगल 90 डिग्री. और ये 5 5 2 आइसोसेलस ट्रायंगल करके देख लो, चाहिए तो हो सकता है यहाँ पर, लेकिन करके देख लो यहाँ पर. 5 स्क्वायर इज 25, दैट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो इक्वल होगा ही नहीं कभी. तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, भैया एक ही बचा. 5 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, अपन ने अभी किया राइट. तो इसका ऑप्शन है बी. आउट ऑफ द डेट्स गिवन बिलो विच डेट कॉन्स्टिट्यूएंट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. अब मैथमेटिक्स को देखने का अलग नजरिया, तुम जब डेट्स को देखोगे तो तुम दिमाग लगाना कि अच्छा भाई आज का दिन पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि आज का दिन नहीं है. अब तुम घर पे एक एक्टिविटी करके दिखाना मुझे, साल में कितने दिन होते हैं जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, लीप ईयर इंक्लूडेड, करके देखना. तुम्हारा 2-3 घंटे का टाइम पास हो जाएगा, बराबर. ओके करके देखो बच्चों, 16 16 है तो ये तो होगा ही नहीं, है ना. 17 3 5 17 स्क्वायर कुछ 169 होता है, बराबर. 17 स्क्वायर क्या होता है, 49. तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा. ओके बेटा इतना नोट कर लो. पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ लिया, हमने अब तक बहुत सारे थ्योरम पढ़े, बीपीटी पढ़ा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी पढ़ा, एंगल बाइसेक्टर पढ़ा, उसका कन्वर्स पढ़ा, तो जितने भी थ्योरम थे सबके कन्वर्स थे. और पाइथागोरस थ्योरम तो सबसे बेसिक थ्योरम है, तो उसका कन्वर्स तो होगा ही. पाइथागोरस थ्योरम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. 9 तुमने पढ़ा, कन्वर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा कर देने का. उल्टा मतलब बताता हूं मैं क्या बच्चों, एक ट्रायंगल है एबीसी, 90 डिग्री है, तुम कैसे लिखते हो इन ट्रायंगल एबीसी, एंगल एबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री. Therefore, हटाने का. Therefore, AC square will be equal to AB square plus BC square. ये तुम लिखते हो पाइथागोरस थ्योरम को. अब ये रीजन क्या आ जाएगा इसका, पाइथागोरस थ्योरम इसमें हुआ क्या, इसमें तुमको एक एंगल 90 डिग्री दिया था और तुमने क्या लिखा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर. ये जो 90 डिग्री के समझना होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस. तो तुम्हारा ये गिवन था, ये टू प्रूफ था,
बराबर, तुमको ये दिया था गिवन कि भाई 90 डिग्री है, एक ट्रायंगल है, फिर तुम समझ गए अपने आप, समझदार हो कि भाई पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो बच्चों। लेकिन अब कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुमको स्वैप करना पड़ेगा पोजीशन, तुम्हारा जो गिवन है वो टू प्रूफ बन जाएगा और तुम्हारा जो टू प्रूफ है वो गिवन बन जाएगा। ओके बेटा, ओके, नाउ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों ट्रायंगल होगा, अब की बार तुमको ट्रायंगल है बोलेंगे, लेकिन तुमको 90 डिग्री क्या है, कौन सा एंगल है, क्या है, कुछ नहीं दिया रहेगा, कुछ नहीं दिया रहेगा। इधर तुमको ये गिवन होगा, हाइपोटेनस तो नहीं बोल सकते फिलहाल क्योंकि अपने को पता नहीं है, ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये गिवन होगा। और तुमको प्रूफ करना रहेगा एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, उल्टा, एकदम उल्टा, तुमको उल्टा प्रूफ करने का बच्चों यहां पर, ठीक है, तुमको उल्टा प्रूफ करना है। और अगर तुम ये प्रूफ कर पाओगे तो तुम लिख सकते हो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अगर तुम ये प्रूफ कर पाए किसी तरह तो तुम लिख सकते हो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों इसका एग्जाम्पल लेते हैं, इसको ऐसे समझना बहुत मुश्किल है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, बढ़िया सा एग्जाम्पल लेते हैं इसका, है ना, इतना अच्छे से ग्रास्प कर लो बेटा। समझो फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन कौन सा है, लेट अस टेक अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्यूटीफुल क्वेश्चन, प्रॉब्लम सेट टू का, प्रॉब्लम सेट टू का क्वेश्चन टू, टू साइड्स 7 centimeter, 24 centimeter, and 25 centimeter forms a right angle triangle. तुमसे पूछा जा रहा है कि अगर ऐसी साइड्स है, अगर ऐसी साइड्स है तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगी। तो तुमको कोई ट्रायंगल दिया है, अब ट्रायंगल हमको पता नहीं है क्या राइट एंगल है या नहीं है, तो हम एक्चुअली बना भी नहीं सकते क्योंकि हमको पता नहीं है फिलहाल, हमको चेक करना पड़ेगा। बच्चों समझो, समझो तुमको 90 डिग्री दिया होता था तुम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते थे, वो सब तो चीजें तुमने की हुई 9th में, 10th में भी, अभी स्टार्टिंग में की थी। अब तुमको साइड्स दी है, तुमको पता करना है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। बच्चों कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कब होगा, जब उसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होगा। और एंगल को 90 डिग्री लाने के लिए हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर करोगे। अगर तुमने वो कर दिया तो क्या तुम बोल सकते हो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वो ट्रायंगल 90 डिग्री है। अरे बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, खुद से पूछो। तो देखो बेटा 7, 24, 25 पाइथागोरियन ट्रिपलेट का कंसेप्ट यूज होगा यहां पर, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का 7, 24, 25 बड़ा कौन तीनों में से, 25, therefore 25 square will be equal to 625, equation number one, बाकी दो 7 square plus 24 square, 7 square बच्चों is 49 and 24 square is 576 which is equal to 625। बच्चों 625 एंड 625 इफ आरएचएस इज इक्वल देन एलएचएस विल बी इक्वल, देयरफॉर 25 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर फ्रॉम 1 एंड 2। बच्चों अगर ऐसा हो रहा है तो क्या बोल सकते हो तुम लोग बताओ, ऐसा हो रहा है तुम लोग क्या बोल सकते हो,
therefore the given triangle is equilateral, scalene, isosceles. नहीं बच्चों, विपाशा बासु, नहीं बच्चों, the given triangle is right angle triangle. ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि बड़ा स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर. अगर ऐसा तुमको कुछ आ रहा है कॉन्ग्रुएंट इक्वल, तो तुम्हारा जो ट्रायंगल होगा बच्चों वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. ओके बच्चों, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. इसका मतलब क्या, कोई ट्रायंगल था बच्चों, ये 90 है, 25, 7 हो सकता है, 24 हो सकता है. आई होप क्लियर है बच्चों सब लोगों को, एकदम सिंपल. सो इन ट्राइंगल PQR, PQ इज रूटेड, QR इज रूट 5, PR इज रूट 3. क्या ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं? और अगर राइट ट्राइंगल है, अच्छी बात है तो कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा? प्रॉब्लम सेट 2 का 6th वाला क्वेश्चन. बच्चों पहले तुमको पूछा है कि ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, वो पता करने के लिए दिमाग चलाने का. अगर गिवन होता है राइट एंगल ट्राइंगल तो तुम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हो, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर. अब तुम लोगों को बोला कि प्रूफ करो राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं, तो तुम कन्वर्स यूज करोगे. और कन्वर्स के लिए तुमको क्या चाहिए, साइड स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर. तीन साइड चाहिए, तो तीन साइड वो गिवन है, यहां पर गिवन है. देयरफॉर देखो एक ट्राइंगल है PQR, PQ स्क्वायर क्या होगा, रूट 8 स्क्वायर, रूट स्क्वायर 8. ऑल्सो QR स्क्वायर, PR स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, 5 प्लस 3 8. रूट 5 का स्क्वायर रूट स्क्वायर और रूट स्क्वायर कैंसिल, तो 8 आ जाएगा. देयरफॉर PQ स्क्वायर विल बी इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर. ये 1 था, ये 2 था, फ्रॉम 1 एंड 2, अच्छी बात है. तो फिगर कैसे बनेगा बच्चों, सबसे बड़ा वाला साइड कौन सा है, PQ है ना, तो ऐसा कुछ फिगर बनेगा. देखो PQ, क्योंकि सबसे बड़ा वाला PQ है और बचा कौन सा R, बराबर, तो ये रूट 8 है. PR क्या है, रूट 3 और ये रूट 5. तो PQ स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर. देयरफॉर क्या आ जाएगा बच्चों, आगे बताओ. देयरफॉर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट की तरह दिख रहा है. देयरफॉर यस, ट्रायंगल PQR इज राइट एंगल ट्रायंगल. देयरफॉर इफ यस, विच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा, जो हाइपोटेनस के सामने होगा. हाइपोटेनस के सामने वाला R है, देखो एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री. और ये सब क्यों हुआ, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. बच्चों नोट कर लो उसको, बाय कन्वर्स, थोड़ा दिख नहीं रहा इधर, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. ओके, फाइंड साइड एंड पेरिमीटर ऑफ अ स्क्वायर whose diagonal is 10 cm, 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6. तो एक स्क्वायर है, लेट्स से ABCD है. फाइंड साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर. बच्चों साइड निकालना है तो वो तो निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर क्या होता है, 4 × साइड. तो अगर साइड तुमको मिल गया तो पेरीमीटर मिल जाएगा. तो पहला काम है साइड निकालना, ठीक है. तो ABCD क्योंकि स्क्वायर है तो सब साइड सेम होंगे और 90 डिग्री होगा ये.
उस डायगनल इज 10 सेंटीमीटर, डायगनल दिया हुआ है. डायगनल 10 सेंटीमीटर है. बच्चों गिवन क्या दिया है? क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ स्क्वायर, ये गिवन है. हुज डायगनल इज 10 सेंटीमीटर, डायगनल 10 सेंटीमीटर है. डायगनल मैंने क्या बनाया यहां पर? यार एसी इज अ डायगनल, देखो एसी क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर. इतना क्लियर दिख रहा है क्या? ओके चलो, हाँ तो एसी इज 10 सेंटीमीटर. टू फाइंड साइड ढूंढना है, हर एक साइड सेम होती है, तो ए बी विल बी, ए बी निकालो या कोई भी निकालो, बी सी निकालो, सी डी ए डी निकालो, सब सेम ही होगा. और पेरीमीटर निकालने बोला है. चलो ठीक है, सॉल्यूशन. बच्चों तुमको ए सी दिया है, तुमको ए बी निकालना है. तुमको एक चीज पता होनी चाहिए, ए बी विल बी इक्वल टू बी सी, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर. ए बी इक्वल टू बी सी, तुमको ये चीज पता होनी चाहिए क्योंकि स्क्वायर है ये. अब देखो बेटा, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल देखो, तुमको ये और ये इक्वल पता है, तुमको ए सी दिया हुआ है. तो देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री. रीजन, एंगल ऑफ अ स्क्वायर, देयरफोर एसी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. बच्चों एसी स्क्वायर कितना दिया है? 10 स्क्वायर. एंड ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो जो ए बी का वैल्यू होगा वो बी सी का होगा. तो बी सी के बदले में ए बी पुट कर सकता हूं? यस कर सकता हूं, क्योंकि दोनों सेम है. अरे स्क्वायर में साइड सेम होती है ना, क्या यार, सेम होती है. देखो ए बी स्क्वायर है ना, फ्रॉम वन. देखो 100 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, 2ab स्क्वायर. देखो 100 डिवाइड बाय 2 विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर. देखो ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 50. नाउ वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन ए बी स्क्वायर, वी आर इंटरेस्टेड इन ए बी. We are interested in AB. Therefore, taking square root. Therefore, AB will be equal to square root of 50. Therefore, AB will be equal to 25 into 2. 25 का square root होगा 5 हो जाएगा. Therefore, AB will be equal to 5 root 2. बच्चों क्या दिया तुम लोगों को? Units क्या दिया है? कोई बहुत सारे बच्चे units लिख देते हैं यहाँ पर. बच्चों क्या दिया क्वेश्चन में देखने का? क्वेश्चन में दिया है सेंटीमीटर. तुमको साइड मिल गया. देखो हर एक साइड क्या हो जाएगा, 20, हर एक साइड 5√2 ही हो जाएगा. और पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4 into AB, तो 4 into 5√2 विच इज 20√2 सेंटीमीटर. बच्चों क्लियर है कि नहीं देख लो एक बार, क्लियर है? 4 into side, पेरीमीटर होता है 4 into side, हर एक सेम होता है. तो हमको साइड मिल गया 5√2 और पेरीमीटर मिल गया 20√2. बच्चों लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर 35 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. तो एक रेक्टेंगल बनाना है तुम लोगों को. Let's say PQRS. Opposite sides equal होता है. इसका diagonal ढूंढना है तुमको. Find a diagonal. तुमको बोला है कि length 35 सेंटीमीटर है. Let's say मैं इसको length ले लेता हूँ. हर एक angle 90 degree होता है. और breadth कितना है? कैसे भी ले सकते हो इसको, 35 लो, इसको 12 लो. लेंथ ब्रेथ में अपने हिसाब से ले सकता हूँ. ये बड़ा लग रहा है थोड़ा सा, तो इसको 35 ले लेता हूँ. थोड़ा बड़ा लग रहा है ये. लेंथ एंड ब्रेथ दिया है तुमको, डायगनल निकालना है. सिंपल है, 90 है ये दोनों पता है.
और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, सिंपल है, लेकिन इसको लिखना बहुत जरूरी है स्टेप बाय स्टेप। गिवन क्या आएगा, क्वाड्रिलेटरल पीक्यू आरएस इज अ रेक्टेंगल। अच्छा ऐसा भी लिखो कि चलेगा, पीक्यू आरएस इज अ रेक्टेंगल, गिवन में इतना भी चलेगा। और भी लिखो, और क्या क्या दिया है, इन द फिगर अलोंग साइड पीक्यू इज 12 सेंटीमीटर, क्यूआर इज 35 सेंटीमीटर। ढूंढना क्या है, टू फाइंड लेंथ ऑफ डायगनल। दैट इज पी आर। सॉल्यूशन बच्चों, तुमको डायगनल का लेंथ निकालना है। देख लो बराबर से, एकदम फिगर एकदम क्लियर है कि नहीं। तुमको डायगनल का लेंथ निकालना है। तो कभी ट्रायंगल पकड़ लो एक, बराबर कि नहीं। सो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज 90 डिग्री, एंगल ऑफ रेक्टेंगल। क्योंकि रेक्टेंगल में हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। देखो पी आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। देख लीजिए रीजन आएगा, पाइथागोरस थ्योरम। देखो पी आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी क्यू, कितना दिया है 12 स्क्वायर, क्यू आर कितना दिया 35 स्क्वायर। देखो पी आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 12 स्क्वायर इज 144, 35 स्क्वायर कितना होता है करके देखो बेटा, होता है बराबर, गलत लिख रहा हूं मैं। देखो पी आर स्क्वायर बी इक्वल टू 1225 प्लस 144, 1369 बराबर। नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पी आर स्क्वायर, आई एम इंटरेस्टेड इन पी आर बिकॉज विच इज द डायगनल, देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट। देयरफॉर therefore PR will be equal to square root of 1369। अब तुमने एट में मेथड सिखा था स्क्वायर रूट निकालने का, तुम वो यूज कर सकते हो चाहिए तो, ओके यू कैन यूज दैट। therefore PR will be equal to 37 सेंटीमीटर, ठीक है। या तुमको अगर वो नहीं आता तो यू कैन यूज 4 है 10, यू कैन यूज डिविजिबिलिटी टेबल में जाने वाला, प्रॉब्लम में तो पूछ लेना। और एल्स यू कैन डू दिस वे, 8 का मेथड भी कर सकते हो, डिविजिबिलिटी टेस्ट भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अच्छा प्राइम नंबर हो तो भैया क्या करने का, तो तुमको स्टैंडर्ड वैल्यू पता होनी चाहिए, तुमको फास्ट करना है तो, या तो तुम वो 8 स्टैंडर्ड वाला मेथड भी कर सकते हो, ठीक है। देखो लेंथ ऑफ द डायगनल इज 1.5। बच्चों सेम टाइप का क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट में भी है, प्रॉब्लम सेट 2 का थर्ड वाला क्वेश्चन, वहां पर लेंथ और डायगोनल निकालना है और तुमको साइड दिया है 11 सेंटीमीटर, सॉरी 60 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। प्रॉब्लम सेट 2 का थर्ड कैसे करोगे, वही क्वेश्चन है ना शायद, कि मैं क्वेश्चन गलत लिख रहा हूं। हाँ यही है, यही क्वेश्चन है, तो सेम करोगे पूरा, बट यहां पर क्या आ जाएगा सिर्फ 60 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर, हाँ वही है बराबर। तो बस वो सेम करना है तुमको, यहाँ पड़ेगा 3600 प्लस 121 3721। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, है ना। देखो पी आर विल बी इक्वल टू, वही पहले के मेथड से तुम लोग कर सकते हो, इसका भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। दिस विल बी इक्वल 67 सेंटीमीटर, है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, तुम लोग और देखो क्वेश्चन बहुत सारे तुमको सेम टाइप के मिलेंगे, तो इस तरह से तुमको करना है पूरा, ठीक है। दिस इज द वे, ठीक है, ध्यान से देख लो।
अपने क्वेश्चंस ले लेते हैं।